आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ मखाना का खीर। ये मखाना की खीर बहुत स्वादिष्ट और बहुत खाने में अच्छी लगती है और जल्दी बनने वाली है, झटपट बनने में बहुत पौष्टिक खीर। मखाना में जानते ही है बहुत सारे विटामिन और फाइबर है इसमें। कभी भी बना के इसे बच्चों को दे सकती है, खुद खा सकती है, व्रत उपवास में भी खा सकती है। चलिए आइए, अब बनाने जा रही हूँ मैं मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं इस मेजरमेंट से दो कटोरी नाप करके मखाना ले लूँ और इसी से मेजरमेंट से नाप करके आधा कटोरी मैं चीनी ली हूँ। तो ड्राई फ्रूट काजू और बादाम मैं काट करके छोटे छोटे टुकड़े में रखी हूँ काट कर। गार्निश के लिए देखिए काजू, इसके लिए मैं ड्राई फ्रूट ली हूँ, काजू बादाम के टुकड़े जो महीन महीन बारीक बारीक काट करके रखी हूँ, किशमिश के थोड़े से गाढ़ाने किशमिश, और गार्निश के लिए मैं पिस्ता ली हूँ वो बाद में मैं डालूँगी, और इलायची का पाउडर 4-5 इलायची का पाउडर, और घी और मिल्क पाउडर। मलाईदार खीर और गाढ़ी खीर बनाने के लिए मिल्क पाउडर एक पाउच ली हूँ 10 रुपये वाली, जिसमें मैं बनाना शुरू करने की कढ़ाई चढ़ाऊँ। 1 लीटर फुल क्रीम दूँ और 1 लीटर फुल क्रीम दूँ। अब सबसे पहले देखिए मैं कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर, और इसे घी डालूँगी। घी डाल करके इसको ड्राई फ्रूट को मैं थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी। किसी भी चीज़ में ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भून कर डालिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। किशमिश को नहीं भूनना है, सिर्फ बादाम और काजू। भून कर डालने से टेस्ट बहुत अच्छी लगेगी, फिर और स्वादिष्ट। हम देखिए 2 से 3 चम्मच घी मैं डाल करके मखाना को भूनेंगे। देखिए मखाना भून गया, हमें इसको निकाल ले रहे हैं बाउल में। पूरा 1 लीटर दूध मैं पहले 10 मिनट इसको बॉईल कर दूँ। अब देखिए दूध में उबाल आ गया, मैं इसको 10-15 मिनट पहले दूध को उबाली थी, थोड़ा दूध को गाढ़ा करना है। अब देखिए मखाना को मैं ऐसे ही हाथ से प्रेस कर दी हूँ छोटे छोटे टुकड़े, अब इसमें उबलते हुए दूध में इसको मैं डाल दूँ। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। चलाते हुए इसको गाढ़ा करना, टेस्टी बहुत लजीज बहुत अच्छी लगती है खाने में। कभी बना करके घर में खा सकती है, जब बना तो उपवास में भी खा सकती है बना करके। मिल्क पाउडर डाल, मिल्क पाउडर डालने से और जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए खीर बिल्कुल एकदम गाढ़ी हो गई है। अभी जो मैं इलायची का पाउडर रखी हूँ इसमें डाल दे रही हूँ। अब देखिए इसमें चीनी में डाल दे रही हूँ, चीनी डाल के अच्छी तरह से चलाना। बिल्कुल तैयार है बन कर करके, इसको ठंडा करके मैं इसमें गार्निश करूँगा। देखिए मखाने की खीर बन करके बिल्कुल रेडी है। ऐसे मैं बना करके बाउल में डाल करके और अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट से मैं गार्निश कर दी हूँ। देखिए कितनी अच्छी, कितनी स्वादिष्ट और कितनी लजीज लग रही है। बहुत जायकेदार ये खीर बनती है। ज़रूर से बना के आप लोग घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप नहीं अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबाना नहीं भूलिएगा। बेल बटन दबाने से यही फ़ायदा होगा कि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मैं नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।